अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या बच्चन से अलग होने की अफवाहों के बीच तलाक की कठिनाइयों पर चर्चा करने वाले एक इंस्टाग्राम पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी है। इस पोस्ट में वृद्ध वयस्कों, खासतौर पर 50 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों में ग्रे तलाक या सिल्वर स्प्लिटर्स के बढ़ते चलन पर रोशनी डाली गई है। आइए जानते हैं कि आखिर ये ग्रे डिवोर्स होता क्या है, जिसका चलन इन दिनों खूब बढ़ रहा है। नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। ग्रे तलाक का मतलब 50 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों के बीच तलाक से है। पिछले कुछ सालों में इस उम्र के लोगों में तलाक की वृद्धि बढ़ी है। इसके बढ़ते चलन के कुछ प्रमुख कारण भी हैं। कई बार लोग अपने बच्चों के बड़े होने तक और जिम्मेदारियों के पूरे होने तक अपने रिश्ते को चलाते हैं। जैसे ही बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं और जिम्मेदारियां कम हो जाती हैं, वो अपनी असंतुष्टि को और बर्दाश्त नहीं कर पाते और तलाक लेने का निर्णय कर लेते हैं। वहीं बुजुर्ग लोग अब पहले से ज़्यादा सक्रिय और आत्मनिर्भर हैं। वो अपनी इच्छाओं और पसंद को महत्व देते हैं। अगर वो अपने साथी के साथ खुश नहीं है तो वो तलाक का रास्ता चुनकर अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने का निर्णय लेते हैं। खासकर महिलाएं, जो पहले आर्थिक रूप से निर्भर थीं, अब अधिक आत्मनिर्भर हैं। करियर और वित्तीय स्थिरता के चलते वो अपनी खुशियों और संतोष को महत्व देने लगती हैं। अगर वो अपने साथी के साथ असंतुष्ट हैं तो तलाक लेने का फैसला कर लेती हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और स्वास्थ्य सेवाओं के चलते लोगों की जीवन प्रत्याशा भी बढ़ी है। वो अपने जीवन के इस नए अध्याय को खुशी और संतोष के साथ जीना चाहते हैं। अगर उनका रिश्ता उनकी मानसिक और भावनात्मक सेहत पर नकारात्मक असर डालता है तो वो तलाक का निर्णय लेने से नहीं हिचकिचाते। वहीं समाज में तलाक को पहले से ज़्यादा स्वीकृति भी मिल गई है। पहले के मुकाबले तलाक को सामाजिक बदनामी का कारण नहीं माना जाता है। लोग अपने व्यक्तिगत संतोष और खुशियों को महत्व देने लगे हैं और तलाक को एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में देखने लगे हैं। वहीं बुजुर्ग लोगों के लिए पुनः विवाह के अवसर भी बढ़ गए हैं। वो नई शुरुआत करने और अपने जीवन साथी के साथ एक खुशहाल जीवन जीने की उम्मीद में तलाक का निर्णय लेते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।